हेलो गाइस, इन्वेस्टमेंट ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम SBI के एक फंड के बारे में फुल एनालिसिस करेंगे और ये देखेंगे कि अगर हम इस फंड के अंदर एक साथ 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए या 1 लाख रुपए जमा कर देते हैं तो ये हमें डुअल बेनिफिट्स कैसे दे सकता है, यानी हमारा फंड भी ग्रो होता रहे और साथ ही साथ हमें मंथली बेसिस पर एक इनकम भी होती रहे। SBI म्यूचुअल फंड के अंदर एक्चुअली इन्वेस्टमेंट के 3 ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन, आप मंथली बेसिस पर छोटा छोटा अमाउंट किसी भी फंड के अंदर जमा करते रहते हैं और जितना वो फंड रिटर्न देता है उस रिटर्न के अकॉर्डिंग आपका फंड ग्रो होता रहता है। इसी को दोस्तों सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या SIP कहते हैं। दूसरा तरीका होता है लमसम या वन टाइम इन्वेस्टमेंट का। जैसे हम बैंक के अंदर FD में अपना पैसा एक बार जमा करके उसे 1 साल के लिए, 2 साल के लिए या 5 साल के लिए छोड़ देते हैं, वैसे ही हम म्यूचुअल फंड के अंदर भी एक साथ पैसा जमा करके छोड़ सकते हैं। तीसरा जो तरीका होता है दोस्तों, वो भी लमसम इन्वेस्टमेंट का होता है, लेकिन इसमें एक ही बार आपको पैसा जमा करना होता है। एक बार पैसा जमा करने के बाद में आप उसकी कुछ इनकम मंथली बेसिस पर खुद के लिए सेट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए एक साथ इन्वेस्ट कर दिए या 1 लाख रुपए एक साथ जमा कर दिए किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर। अब आपने उस म्यूचुअल फंड में से उसका कुछ परसेंट या उसका कुछ हिस्सा जो वो मंथली बेसिस पर या ईयरली बेसिस पर ग्रो हो रहा है, आपने उसमें से कुछ पे आउट लगा दिया है। फॉर एग्जांपल, आपने 1 लाख रुपए जमा किए, 1 लाख रुपए में से आपने 1,000 रुपये हर महीने का उसमें से पे आउट लगा दिया। अब वो फंड अगर मान लीजिए सालाना बेसिस पर हमें 12% का भी रिटर्न देता है तो जो हमने पैसा जमा किया है हमारा वो पैसा एज इट इज़ बना रहेगा और मंथली बेसिस पर हमें दोस्तों हर महीने 1,000 रुपये की इनकम भी होती रहेगी। अब 12% से ऊपर मान लीजिए वो फंड रिटर्न देता है तो हमारा फंड भी ग्रो होगा और हमारी मंथली बेसिस पर इनकम भी होती रहेगी। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमें एक ऐसा फंड चुनना है जो पिछले 10 साल या 20 साल पुराना फंड हो और पिछले 15 सालों से या 20 सालों से वो कम से कम 15% या उससे ज़्यादा का रिटर्न हमें प्रोवाइड करा रहा हो, जिससे हमारे जो कैपिटल है जो हम जमा करेंगे एक साथ वो सेफ भी बनी रहेगी और हमारी मंथली बेसिस पर इनकम भी होती रहेगी। नॉर्मली मंथली इनकम के ऑप्शंस पोस्ट ऑफिस के अंदर या SBI के अंदर भी होते हैं, लेकिन इन दोनों के अंदर ही रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कम होता है, यानी हमें ज़्यादा पैसा जमा करने के बाद में बहुत कम मंथली बेसिस पर पे आउट मिलता है। इतना फ़र्क ज़रूर है कि अगर आप पोस्ट ऑफिस के अंदर या SBI की जो एन्यूटी डिपॉजिट स्कीम होती है उसके अंदर एक साथ पैसा जमा करते हैं तो वहाँ आपका पैसा सिक्योर रहता है, किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं होता। लेकिन यहाँ पर आपके पैसे पर थोड़ा रिस्क होता है क्योंकि ये शेयर मार्केट से लिंक्ड म्यूचुअल फंड्स होते हैं। अब जैसे जैसे शेयर मार्केट फ्लक्चुएट करेगी वैसे वैसे हमारे फंड पर भी असर पड़ेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म का व्यू लेकर चल रहे हैं और एक साथ आप पैसा जमा कर रहे हैं तो फिर आपकी दोनों चीज़ें बैलेंस हो सकती हैं। मैं आपको वीडियो में ये भी बताऊंगा कि हमें कौन सा फंड सेलेक्ट करना है, कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, साथ ही साथ हमें कितना मंथली पे आउट लगाना है। मान लीजिए हमने 1 लाख जमा किए तो क्या हमें 1,000 का पे आउट लगाना चाहिए या उससे कम का पे आउट लगाना चाहिए, ताकि अगर मार्केट में उथल पुथल भी हो या मार्केट ऊपर नीचे भी हो तो हमारे फंड पर कोई खास फर्क ना पड़े। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस फंड के बारे में बता देता हूँ। इस फंड का नाम है दोस्तों SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड। ये एक म्यूचुअल फंड है। अगर मैं इसके रिटर्न की बात करूं तो पिछले 1 महीने में इस फंड ने 7.5% के रिटर्न दिए हैं, पिछले 6 महीने में इस फंड ने 42.17% के रिटर्न दिए हैं, पिछले 1 साल में इस फंड ने 95.67% के रिटर्न दिए हैं, 3 साल में इस फंड ने 33.18% के रिटर्न दिए हैं, 5 साल में इस फंड ने 27.90% के रिटर्न दिए हैं और जब से ये फंड शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक इसने 25.32% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। ये फंड दोस्तों इक्विटी कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। इसकी NAV 162.32 रुपये की है, यानी आप जो भी पैसा इसके अंदर जमा करते हैं इस NAV से उस पैसे को डिवाइड किया जाता है और जितनी भी नंबर ऑफ NAVs आपको अलॉट होती हैं वो आपके फंड में ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं, यानी कि आपसे जो आपका डैशबोर्ड है आपको प्रोवाइड कराया जाएगा उसके अंदर ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं। मिनिमम आप इसके अंदर SIP अगर करना चाहते हैं तो 500 रुपीज़ कर सकते हैं, मिनिमम आप एक साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 5,000 रुपये कर सकते हैं और ऊपर की कोई भी लिमिट नहीं है, जितना चाहें आप उतना पैसा जमा कर सकते हैं। अब ये दोस्तों जैसा इसका नाम है SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड, वैसे ही जो देश की दिग्गज IT कंपनीज हैं जैसे इन्फोसिस, HCL टेक्नोलॉजी, TCS, टेक महिंद्रा, परसिस्टेंट सिस्टम,
L&T, भारती एयरटेल, सीएंट, इन सभी के अंदर दोस्तों ये अपने पैसे को इन्वेस्ट करती है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ कैलकुलेटर पर और हम कैलकुलेट करके देखते हैं। जैसे हमने अभी देखा है, इस फंड ने ओवरऑल जो रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं वो 25.32% के हैं, लेकिन हमें ये आने वाले टाइम में अगर मान लीजिए 20% का भी रिटर्न प्रोवाइड कराता है, या 20% से भी हम कम मानते हैं, अगर 18% का भी ये हमें रिटर्न प्रोवाइड कराता है और हम इस फंड के अंदर मान लीजिए 10 लाख रुपये एक साथ जमा करते हैं, तो 1 लाख रुपये पर हमें दोस्तों 800 रुपये का पे आउट लगाना है। यानी 10 लाख रुपये पर हमारा कितना पे आउट हो गया दोस्तों, लगभग 8,000 रुपये का। तो 8,000 रुपये का पे आउट अगर हम यहाँ पर सेट करते हैं और हम देखते हैं दोस्तों कि 5 साल में हम किस स्थिति में होंगे, अगर ये फंड हमें 18% का भी रिटर्न दे देता है, तो 10 लाख रुपये हमने इन्वेस्ट किए और अगले 5 सालों में हर महीने 8,000 रुपये के पे आउट के थ्रू 4,80,000 रुपये का हमने पे आउट किया और जो हमारा फंड है वो बढ़कर दोस्तों 10 लाख से 15,45,000 हो चुका है। अब इसी तरह से अगर हम मान लीजिए इसको चलाते हैं 10 साल तक, तो 10 साल में टोटल पे आउट हमने 9,60,000 का किया हर महीने 8,000 रुपये पे आउट के थ्रू, और फाइनल वैल्यू जो हमारी हुई है वो 27 लाख रुपीज़ के आसपास हो चुकी है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखें, मान लीजिए आपने 15 साल तक इसको कंटिन्यू रखा तो 14,40,000 रुपये का आपने पे आउट कर लिया और 56,52,000 आपके फंड की वैल्यू हो चुकी है। अब आप ये 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करके भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। मान लीजिए आप 1 लाख रुपये जमा करते हैं, 800 रुपये हर महीने का आप पे आउट लगाते हैं और 18% का ये फंड हमें रिटर्न दे देता है, तो 15 सालों में हमारे 1 लाख रुपये की वैल्यू बढ़कर 5 लाख हो जाएगी और 1,44,000 रुपये का हम पे आउट भी लगा चुके होंगे, यानी निकाल चुके होंगे 1,44,000 रुपये 800 रुपये हर महीने के हिसाब से अगले 15 सालों में। इसी तरह से अगर मान लीजिए आप जमा कर देते हैं इसके अंदर 5 लाख रुपये और 5 लाख रुपये पर दोस्तों आप इसके अंदर पे आउट लगाते हैं लगभग 4,000 रुपये का, तो 18% रिटर्न के हिसाब से आप देख सकते हैं कि 5 लाख रुपये की वैल्यू बढ़कर दोस्तों अगले 15 सालों में 28 लाख रुपये हो जाएगी और 7,20,000 रुपये का हम पे आउट इससे ले चुके होंगे। तो दोस्तों ये इसी तरह से काम करती है। अब आपको दोस्तों इन्वेस्ट कैसे करना है मैं आपको उसका तरीका भी बता देता हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस लिंक पर क्लिक करके ज़ीरोधा के अंदर या आप स्टॉक के अंदर या दोस्तों आप ग्रो के अंदर एक साथ पैसा जमा करके इस फंड से आप मंथली पे आउट यानी SWP लगा सकते हैं। जो ये हम मंथली बेसिस पर पे आउट लेते हैं इसको सिस्टमेटिक विड्रोल प्लान कहते हैं। जैसे हमारा SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, वैसे ही सिस्टमेटिक विड्रोल प्लान यानी कि SWP होता है। इसके अंदर हम एक साथ पैसा जमा करके कुछ पैसा मंथली बेसिस पर पे आउट के रूप में बाहर लेते हैं यानी अपने बैंक में लेते हैं और हमारा फंड ग्रो भी करता रहता है। तो आप ज़ीरोधा के अंदर अकाउंट ओपन करके इस फैसिलिटी का लाभ ले सकते हैं। वहाँ पर आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे कि आप मंथली बेसिस पर SIP शुरू करना चाहते हैं या लमसम वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या SWP स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप SWP सेलेक्ट करें और उसके बाद में आप इसको दोस्तों स्टार्ट कर सकते हैं। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी SBIMF.com पर वहाँ पर जाकर भी आप इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। सो गाइज, आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर इससे संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा। धन्यवाद।